नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल विधानसभा में कश्मीर फाइल्स के टैक्स फ्री होने पर बड़ी चुटकियां ली, बहुत हंसी गुल्ले किए, क्योंकि विधानसभा में उन्हीं के आदमी हैं सारे। उन्होंने कश्मीर फाइल के टैक्स फ्री होने पर नरेंद्र मोदी जी से यहाँ तक कह दिया कि 56 इंच का सीना नहीं है, कुर्ता ही पहन रखा है, MCD को एक कर दिया। केजरीवाल जी, माना कि आपने पंजाब जीत लिया है, परंतु एक शहर, दिल्ली एक शहर है, वहाँ की MCD के चुनाव के लिए आप इतना माहौल क्यों बना रहे हो? अगर आप में इतनी ही दमखम है तो फिर दोबारा क्यों नहीं लड़े मोदी जी के सामने लोकसभा का चुनाव? ठीक है, पंजाब से हौसले बुलंद बेशक हो सकते हैं, पर ऐसी उलझुल बातें करने से क्या निष्कर्ष है? कश्मीर फाइल्स पहली फिल्म तो नहीं है जिसे टैक्स फ्री किया गया है। ठीक है, आप भी तो पानी बिजली सब फ्री देते हो, आपको उन चीज़ों के फ्री होने पर कोई दिक्कत नहीं है। ये पीड़ितों का मुद्दा है, चाहे वो पंडित हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, वो पीड़ित हैं, उन्हें भगाया गया है, उन्हें बेघर कर दिया गया है, परंतु आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका वोट बैंक दूसरा है, आप उस पर टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये अब आप देखें कि केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। अगर उन्हें इतना ही शौक है मोदी जी से आमना सामना करने का, ठीक है, तो चुनाव लड़े उनके साथ सामने, बिल्कुल खुलेआम लड़े, बेशक लड़े। अब मोदी जी दिल्ली MCD लड़ने थोड़ी आएंगे। तो दोस्तों ये दिल्ली की जो MCD है उसको एक करने का कारण भी दूसरा है। जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वही एकमात्र कारण नहीं है। दिल्ली में दरअसल 3 MCD हैं जो पहले एक हुआ करती थी, और उनमें 2 MCD उस पर अर्निंग सोर्स कम है, साउथ MCD रिच है, इसलिए तीनों MCD को एक किया जा रहा है जिससे सबको बराबर खर्चा पानी मिलता रहे। केजरीवाल जी यूं ही बातें बनाना जानते हैं, लोगों को बहकाना जानते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।